गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 6 के, जो हमारा पीएसबी बोर्ड का है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग। स्टूडेंट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होती है, इसकी जो हमारी शॉर्ट फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग की, वो क्या है? DTP। इट इज़ द सॉफ्टवेयर विच अलाउ द यूजर टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिज़ाइन बाई मेकिंग द इंक्लूजन ऑफ द टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स एंड मैनी कलर। स्टूडेंट, जो हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, वो क्या हमें करवाता है, अलाउ करवाता है डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, और इसमें डिफरेंट जो हमारे फॉर्म्स हैं उसको डिज़ाइनिंग करने के लिए टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स एंड मैनी अदर कलर्स जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ए ग्राफिक बेस्ड सॉफ्टवेयर, वी कैन ऑल्सो क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज लेटर, ब्राउचर, मैगजीन, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। और इसमें हम डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज लेटर क्रिएट कर सकते हैं, ब्राउचर क्रिएट कर सकते हैं, मैगजीन्स एंड एडवर्टाइजमेंट के लिए हम कोई भी ग्राफिक्स जो है इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। दिस सॉफ्टवेयर मोस्टली एक्सेप्ट वर्क टू बोथ, ए दो बोथ एक्सेप्ट कर सकता है हमारे लिए, डिजाइनिंग के लिए भी और वर्क के लिए भी। फॉर यूजिंग डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, मैनी डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइक अडोब पेज मेकर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, अडोब फोटोशॉप। स्टूडेंट, जब भी हमने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है, तो हम इसके लिए अडोब पेज रीडर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर एंड जो हमारा फोटोशॉप है, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द नेम ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंटर। स्टूडेंट, हमारे पास प्रिंटर कौन कौन से हैं? हमारे पास फर्स्ट प्रिंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर। हमारे दो टाइप के प्रिंटर हैं, इंपैक्ट एंड नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट प्रिंटर है, उसमें हम इंक्लूड करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को, डेजी व्हील प्रिंटर को, लाइन प्रिंटर को। ऑन दी अदर साइड, जो हमारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, उसमें हमारा इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर आता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द मार्जिन। स्टूडेंट, हम अपने पेज पर, टेक्स्ट पर कैसे मार्जिन सेलेक्ट करते हैं, ये हमें क्या बताता है, हमारी एम्प्टी स्पेस को, जो हमारे दो मेन कंटेंट होते हैं उसमें हम कैसे उसकी पेज की एज एंड पेज का साइज इंक्रीज कर लेते हैं। और इसके अलावा हमारा जो मार्जिन है, वो हमें आइडेंटिफाई कराता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन एंड एंडिंग पॉइंट। इसके अलावा हम इसके द्वारा ही हमें एडजस्टिंग करने के लिए, साइज, पेज के साइज की एडजस्टिंग करने के लिए भी हम मार्जिन को यूज करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ग्राफिक डिजाइन। स्टूडेंट, ग्राफिक डिजाइन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द ग्राफिक डिजाइन इज ए इमेज और ए वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, जो हमारे पास ये ग्राफिक डिजाइन होती है, वो हमारा एक इमेज और वर्चुअल रिप्रेजेंट होता है ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का। दिस इमेज आर द डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन ऑन द कंप्यूटर। जो भी हम इमेज क्रिएट करते हैं, उसको डिस्प्ले करवाते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। दिस टाइप्स ऑफ ग्राफिक कंट्रास्ट विद द टेक्स्ट विच कंटेन द करेक्टर सच एज ए नंबर, लेटर और इमेज। स्टूडेंट, जब भी हमने ग्राफिक्स में कंट्रास्ट क्रिएट करना हो, तो हमारे जो उसमें करेक्टर होते हैं, वो हमारे नंबर, लेटर एंड इमेजेस हम यूज करते हैं। और जो हमारे पास ग्राफिक है, वो टू टाइप से हम यूज करते हैं, टू डिमेंशनल एंड थ्री डिमेंशनल। वट डू यू मीन बाई WSIWYG, इसका मतलब क्या है? इसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट, वट यू सी इज वट यू गेट। आपने क्या देखा और इसमें आपने क्या सीखा, चाहे हमने क्या इससे लिया। इट विल मीन्स शो द प्रिंट प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट, हाउ इट विल लुक एट द आफ्टर मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रिंट कमांड। स्टूडेंट, प्रिंट कमांड करने से पहले हमने उसको क्या किया, उसमें वर्किंग क्या की, चेंजेस क्या की, उसके बाद हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन वेक्टर ग्राफिक्स एंड बिट मैप ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं हमारे पास? ये भी हमारे पास एक कंप्यूटर डिजाइनिंग के ग्राफिक्स को एंड पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए हमें यूज करते हैं। इसमें हमारी कर्वेक्स लाइंस होती हैं, जो जिसके थ्रू हम फॉर्म जो है पॉलीगॉन शेप्स में क्या करते हैं, इंक्रीज कराते हैं। और इसी तरीके से हम इसकी रीसाइजिंग जो है, रेजोल्यूशन, वो वेक्टर ग्राफिक के थ्रू ही विदाउट डिस्टर्बिंग इसकी जो क्वालिटी है, वो डायरेक्शन में क्या हो जाती है, स्टॉक हो जाती है। उसके कलर, शेप, कर्व्स एंड थिकनेस हम ऑटोमेटिकली ही इस पॉइंट से हम क्लियर करते हैं। दिस टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स वी कैन इजिली एंड इंडिपेंडेंटली एडिट द शेप और ऑब्जेक्ट सच एज ए आउटलाइन टाइप्स, फिल, साइज, पोजिशन एक्सेट्रा। स्टूडेंट, इसमें हमें रिप्रेजेंट, हमें कोई भी अगर हम इसमें टेक्स्ट ग्राफिक यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉलीगन, कर्व शेप्स,
टेक्स्ट बॉक्स, हमें उसमें कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ती उसकी आउटलाइनिंग को लेकर, हम ऑटोमेटिकली इसकी पोजीशन को सेट करते हैं और इसके थ्रू ही हमारा जो यूजेस है वो एयर डिफरेंस सिस्टम के थ्रू हम वेक्टर में ग्राफिक्स जो है डिस्प्ले करवा लेते हैं। ग्राफिक जो हमारा है, ये हमारा पीडीएफ है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, एंड हम इसमें सीडीआर यूज करते हैं, कॉरल ड्रॉ फाइल एक्सटेंशन एंड एआई टाइप्स ऑफ ग्राफिक जो हमारी इसमें यूज की जाती है। सेकंड है हमारे पास रास्टर और बिट मैप। स्टूडेंट, ये हमारे जो अदर टाइप्स ऑफ रास्टर ग्राफिक एंड बिट मैप ग्राफिक्स हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हमने इमेज को स्मॉल पिक्सल में और रेक्टेंगुलर शेप में डिस्प्ले करवाना हो इसके एलिमेंट्स को, तब हम इसमें अरेंज करते हैं फॉर्म के ग्रिड को रिप्रेजेंट करवाने के लिए। और जो हमारे इसमें बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल डॉट्स होते हैं जो बिट मैप ग्राफिक्स को पिक्सल में डिवाइड करते हैं। जो हमारा बिट मैप ग्राफिक्स होता है वो क्या है, हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें अडोब फोटोशॉप की हेल्प से हम इसमें एडिटिंग करते हैं सिंगल पिक्सल में, और हमारी जो इसकी डिटेल है वो हम ड्रॉ कम्प्लीटली करते हैं पिक्सल के थ्रू, और स्क्वायर के जो इंच दिए होते हैं उसके हेल्प उसके थ्रू हमारी जो है इमेजेस की एडिटिंग होती है। बिट मैप ग्राफिक का जो फाइल साइज होता है वो हमारा लार्ज होता है, और इसमें जो हम इमेज क्रिएट करते हैं उसको हम स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को सिंगल पिक्सल में। और इसकी जो पॉसिबिलिटी है बिट मैप ग्राफिक्स की, उसकी जो क्वालिटी बहुत लूज होती है, और रिसाइजिंग जो फाइल है वो हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और इसकी जो इमेज है हम स्कैन करके हम अपने डिजिटल फोटोशॉप में इसको फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और इसके फॉर्मेट को यूज़ करने के लिए हम JPEG, PNG, GIF, BMP, PMEG जो हमारे रोस्टर ग्राफिक्स हैं वो हम इमेजेस इसमें यूज़ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है लॉन्ग, व्हाट इज द डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, राइट अबाउट एनी टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट, अब डेस्कटॉप जो हमारे पास पब्लिशिंग है उसके बारे में मैं आपको डिटेल देती हूँ। जो हमारे पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग है वो हम क्या करते हैं, सिंपल कंटेंट को लेआउट फॉर्म में यूज करने के लिए यूज करते हैं। इसमें हम जो पब्लिश करवाते हैं वो क्या आ जाती हैं, बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन। जब भी हमने इसकी फाइनलाइजेशन करनी हो लेआउट की, तब हम अपने वेबसाइट पर इसको सेंड करते हैं, और उसके प्रिंटर के थ्रू हम इसको प्रिंटिंग लेते हैं पेपर पर। जब भी हमें किसी प्रोजेक्ट में इसकी ज़रूरत पड़ती है, यूज़र अपने अकॉर्डिंग क्या कर देता है, कोई भी चीज़ जो पेज है सिंगल उसकी एडिटिंग करता है, और टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद उस पेज में स्क्रैचेस जो है एम्बेडिंग करता है। जो हमारे पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग होती है वो टू टाइप्स की है। सबसे इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर इज़ द डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन विच डिफरेंट फ्रॉम ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। स्टूडेंट, जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है वो डिफरेंट है डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अकॉर्डिंग, और हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है उसमें लेआउट एंड डिजाइनिंग जो है हम प्लेस एंड टेक्स्ट के कंपोजिंग के थ्रू क्या करते हैं, प्रूफिंग करवाते हैं। और इसमें जो हमारे सिमिलर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होते हैं वो डिफरेंट मैटर करते हैं वर्ड को प्रोवाइड करवाने के लिए। और इसके टूल की जो रिलेशन एंड टेक्स्ट में जो हम माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर के जो पेजेस के लेआउट एंड वर्जुअल कंटेंट जो हमने डिस्प्ले करवाते होते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाती है हमारी माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर कंपनी, जो उन्होंने 1991 में डिस्कवर करवाई थी। नेक्स्ट है हमारे पास कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ जो है हमारे पास कोरल कॉर्पोरेशन है, जो हमारे ग्राफिक एडिटिंग को सॉफ्टवेयर में एम्बेड करवाने के लिए, डिजाइन करने के लिए, 2D लोगो एंड पोस्टर के लिए हम इसको यूज करते हैं। और ये हमारे पास जो ड्रॉ सॉफ्टवेयर वर्क है वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही वर्क करता है। जो इसके डिस्प्लेयर हैं वो हैं मैक ओएसई विंडो एंड माइकल ब्रिलियन एंड पाथ ब्रिलियन जो हैं इसके डेवलपर हैं, जिन्होंने इसका इनिशियल वर्जन जो सबसे पहले इसका ड्रॉ किया था कोरल का, वो 1989 में किया था, और इसको 2021 में इसका न्यू वर्जन उन्होंने कोरल ग्राफिक का लॉन्च किया था। जो इस समय लेटेस्ट जो उन्होंने वर्जन हमें दिया है वो है हमारे पास ग्राफिक सूट 2021। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपैक्ट एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इन दोनों में हमारे पास क्या डिफरेंस है, इंपैक्ट प्रिंटर जो है हमें करेक्टर ग्राफिक्स में हमें उसकी जो स्ट्राइकिंग है वो पेपर में देता है, नॉन इंपैक्ट जो हमारे पास है उसका जो करेक्टर ग्राफिक है वो पेपर के विदाउट ही हम उसे स्ट्राइकिंग में यूज करते हैं। प्रिंटिंग इज डन फ्रॉम दी स्ट्राइकिंग द मेटल पिन और करेक्टर। स्टूडेंट, जो इसकी प्रिंटिंग होती है वो स्ट्राइकिंग लाइन में होती है, और इसमें जो पिन यूज किए जाते हैं वो मेटल के होते हैं डाई के लिए। और इधर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में जो हम स्प्रे के थ्रू क्या करते हैं, पेपर की इंक जो है पेपर पर हम प्रिंट करवाते हैं। द प्रिंटिंग स्पीड इज स्लो, जो हमारे
इनपैक्ट प्रिंटर की जो प्रिंटिंग होती है वो स्लो होती है एज कम्पेयर टू नॉन इनपैक्ट प्रिंटर के थ्रू इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइसेज आर बीन यूज फॉर। इसमें हम इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइसेज यूज करते हैं जबकि हम नॉन इनपैक्ट प्रिंटर में हमारा जो इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइसेज हैं वो हमें प्रिंटिंग के लिए नहीं यूज होती। दिस टाइप्स ऑफ प्रिंटर मेक ए नॉइज व्हील प्रिंटिंग ऑफ द पेपर। जब भी हम इसमें कोई भी पेपर पर प्रिंटिंग करते हैं तो उसकी नॉइज जो है वो हमारी प्रिंटिंग के थ्रू आती है जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के थ्रू हमारा जो नॉइज वाइलर है वो बिल्कुल भी नॉइस नहीं करता। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इसकी एंड डेजी व्हील प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर जो है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एंड जो इसकी एग्जाम्पल है नॉन इम्पैक्ट की वो कौन सी है हमारी लेजर एंड इंकजेट प्रिंटर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास गिव एनी डिफरेंस बिटवीन डेस्कटॉप पब्लिशर एंड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट डेस्कटॉप पब्लिशर एंड वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है हमारे। वर्ड प्रोसेसर, द अदर नेम ऑफ द वर्ड प्रोसेसर इज द वर्ड प्रोसेसर विच इज यूज्ड फॉर ए क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट कंटेनिंग डॉक्यूमेंट।